नमस्कार, मैं हूं सलमान खान। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज सागर। पिछले 20 अगस्त को सानोदा थाना क्षेत्र के सायपुर चौकी अंतर्गत तड़ा तेराई की रेल पटरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा मिला था, जिसका शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता के दौरान मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक की माने तो मृतक हल्ले भाई लोधी घटना के पहले आरोपियों के साथ गाली गलौज करता था। घटना दिनांक के दिन भी मृतक व आरोपी गुड्डा लोधी के बीच सामान्य झड़प हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने बदले की भावना से अपने साथी गौतम अहरवार के साथ मिलकर लोहे की राड से मृतक की हत्या कर दी। इस अंधे कत्ल में आरोपी की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके तहत आरोपी और मृतक के बीच झड़प की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने आरोपी गुड्डा व गौतम से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। शुरुआत में ये शाहपुर चौकी के अंतर्गत ही मामला हुआ है। इसमें पहली बात तो रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी मिली थी, जो कि सामान्यतः ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ट्रेन कटिंग हो, और चूंकि जुरिसडिक्शन इसका जो है जीआरपी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो हमारे चौकी प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर पाठक, उन्होंने जब विजिट किया तो उन्होंने मुझे इंटीमेट किया कि नहीं सर, ये रेल कटिंग का मामला नहीं लग रहा है संदिग्ध, क्योंकि आसपास दूसरी जगह पे भी कुछ ब्लड स्टेन्स हैं। तो उस पर इनको ये निर्देशित किया गया और इन्होंने भी स्वतः से ये इच्छा जाहिर की कि सर इसको अपन ही टेकअप करें और अपन ही इसका इन्वेस्टिगेशन करें। उसके आधार पर फिर चौकी शाहपुर ने इसका मार्ग पंजीयन किया और इसमें पूरे आगे जो है इन्वेस्टिगेशन किया, और काफ़ी मेहनत हुई, क्योंकि मतलब ब्लाइंड केस था। जो मृतक है वो कुछ अपनी आदतों से ऐसा था कि उसकी सामाजिक रूप से उसको बहुत मान्यता नहीं थी, समाज में उसके लिए कोई कहने वाला नहीं था, और उसकी हत्या हुई या दुर्घटना में मृत्यु हुई इसकी किसी को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि तो सामान्य रूप से वो शराब पी के लोगों को गाली गलौज करना, फकड़ की तरह घूमते रहना, तो इसलिए उसको लेके कोई कंसर्न नहीं था कि उसके साथ कोई घटना हो गई। लेकिन फिर भी पुलिस ने इसको एक चैलेंज माना कि मतलब इस प्रकार से अगर ये घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर पर अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, और पुलिस ने उसको चैलेंज के रूप में लिया, और जिसने थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और जो डीएसपी प्रोबेशनर एडिशनल एसपी, इन सब ने मैं टीम बना के 4 दिन तक लगातार पूछताछ की। इसमें अलग अलग तरह के 3 स्टोरी थी जिन पर संदेह था और उनको डेवलप किया, और उस पर यही सामने आया कि चूंकि घटना के दिन इसके और इस पेशेंट के द्वारा जो है दारू पी के अनावश्यक लोगों को गाली गलौज किया गया था, जिसके कारण ये जो आरोपी है ये आवेश में आया और इसने जो है किशन को मारने के लिए जो है प्रयास किया, किशन मिल नहीं पाया तो आवेश में इसके साथ में घटना की, और घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए उन्होंने जो है इसको ट्रेन